हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप भाटिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके साथ पहले दो वीडियोस के थ्रू इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ विषय पर अपने विचार रख चुका हूं। और उसी क्रम में मुझे लगता है सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक महत्वपूर्ण सेक्शन है कैपिटल गेन की एग्जम्पशन के कैलकुलेशन का, उस पर एक और डिस्कशन आज करना चाहता हूं। देखिए, सेक्शन 54 की जो एग्जम्पशन हम क्लेम करते हैं उसका जो बेसिक फ्लो है वो ये है कि यदि कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचता है और उस रेजिडेंशियल हाउस को बेचने पर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? 2 साल प्लस यदि आपने कोई प्रॉपर्टी होल्ड करी उसे बेचा तो वो आज की डेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 2 साल प्लस आपने किसी रेजिडेंशियल हाउस को रखकर बेचा, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आपने री इन्वेस्ट कर दिया नई प्रॉपर्टी में, तो आप कैपिटल गेन एग्जम्पशन के लिए हकदार है। अब ये जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन क्लेम की जाती है इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, और विद अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इट अपीयर्स दैट मेनी अ टाइम द क्लाइंट्स द असेसीज दे डू नॉट टेक केयर अबाउट द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ अवेलिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 विच आइदर एंड अप लूजिंग द एग्जम्पशन क्रिएटिंग डिमांड ऑन द असेसीज और क्रिएटिंग अ डिस्प्यूट विच इज देन फॉर अपीलेट प्रोसीजर्स। तो जो एक्सपीरियंस से सर मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि हाँ क्या मेरा अनुभव कहता है कि यदि वो गलतियां हम ना करें तो हमारे को कैपिटल गेन की एग्जम्पशन लेने में कोई असुविधा ना हो। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी खरीद ली, रेजिडेंशियल हाउस खुद के नाम था, बेचा, बेटे के नाम प्रॉपर्टी खरीद लिया, क्या बेटे के नाम खरीदी गई प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिलेगा? आंसर इज नो। अच्छा, खुद के नाम बेची, खुद के नाम खरीदी, आंसर इज यस, मिलेगा। खुद के नाम बेची, वाइफ के नाम खरीद ली, या वाइफ ने बेची हस्बैंड के नाम खरीद ली, क्या कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिलेगा? क्वेश्चन मार्क है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने खुद के नाम प्रॉपर्टी बेची, यानी जिस एसएससी ने खुद के नाम प्रॉपर्टी बेची वो खुद ही के नाम प्रॉपर्टी खरीदे, साहब दूसरे व्यक्ति के नाम ना ले। हाँ, दूसरे को ज्वाइंट बना सकता है, ये भी हो सकता है दो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और दोनों व्यक्ति मिलकर के एक कंबाइंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसमें दोनों ज्वाइंट ऑनर है, फिर कोई दिक्कत नहीं। इस बात पर तो पूर्णतया डिस्प्यूट है कि मैंने अपने नाम प्रॉपर्टी बेची और मेरे बच्चों के नाम प्रॉपर्टी खरीद ली, कैपिटल गेन की एग्जम्पशन नहीं मिल रही सर। ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको एंटरटेन नहीं करता। हाँ, इस पर जरूर जुडिशियल निर्णय है, प्रेसिडेंट्स हैं जो ये कहते हैं खुद के नाम पर प्रॉपर्टी बेची और स्पाउस के नाम पर खरीद ली, लॉ तो क्लियर नहीं है लेकिन निर्णय ऐसे प्रकार के हैं न्याय व्यवस्था में जो ये कहते हैं हां साहब एग्जम्पशन मिल जाएगी, परंतु मैं ये कहता हूं साहब अवॉइड करिए, इस प्रकार के तरीकों से अवॉइड करिए, नहीं तो आप अननेसेसरी कोई लीगल डिस्प्यूट में जाकर के बेनिफिट तो ले लेंगे लेकिन उस समय जो लगेगा उस हरासमेंट को फेस करने में दैट वुड नॉट बी गुड फॉर एनी एसएससी। अपार्ट फ्रॉम इट, दिस कुड ऑल्सो बी अ क्वेश्चन कि मैंने 2 मकान बेचे, 1 मकान खरीद लिया, क्या एग्जम्पशन मिलेगी? मिलेगी। मैंने लैंड बेची और रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया, क्या एग्जम्पशन मिलेगी 54? सर 54 में नहीं मिलेगी क्योंकि 54 तो मकान बेचकर मकान लेने पर ही मिलता है। मकान बेचा और मकान बनाया, अब ध्यान से सुनिएगा सर, मकान बेचा मकान बनाया, कौन सा मकान बनाया? नया बनाया क्या या एग्जिस्टिंग के ऊपर एक फ्लोर बना लिया? जनरली जब आप नया मकान नहीं खरीदते, नया मकान खरीदने पर एग्जम्पशन है, नया मकान बनाने पर एग्जम्पशन है, एग्जिस्टिंग मकान को दोबारा से बनाना या एग्जिस्टिंग मकान पर एक और फ्लोर चढ़ा लेना एग्जम्पशन है या नहीं है, यह बात लॉ में क्लियर नहीं है। अगेन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, लीगल रूलिंग्स हैं जो ये कहती हैं हां साहब मिल जाना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट वहां तभी उस चीज को, डिपार्टमेंट ने तो फिर भी ऑब्जेक्ट किया है, जुडिशियरी ने देखा क्या वो पर्टिकुलर यूनिट सर एक सेपरेट यूनिट थी या नहीं थी। यदि वो सेपरेट यूनिट थी तो फिर भी एग्जम्पशन को माना गया, परंतु सेपरेट यूनिट नहीं हुई, 2 कमरे थे 4 कमरे कर लिए, कोई यूनिट सेपरेट दिख नहीं रही तो एग्जम्पशन नहीं मिली है सर। तो मेरा तो सिंपल सजेशन है सर, नया मकान खरीदे, नया मकान बनाए, एग्जिस्टिंग पर बनाने का विकल्प सही विकल्प नहीं है। एक और बात, यदि आप जो भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, मेरे क्लाइंट ने मेरे को बोला साहब मैंने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, मान लीजिए 25 लाख, मैंने एक जमीन खरीद ली 25 लाख, भाटिया जी एग्जम्पशन मिलेगी क्या?
मैंने कहा सर आप जब तक मकान नहीं बनाओगे तब तक नहीं मिलेगी। बोले मैं बना लूंगा, कितने समय में बनाऊं? तो लॉ कहता है साहब खरीदनी है तो 1 साल पहले खरीद लो, 2 साल बाद तक खरीद लो, बनानी है तो 3 साल बाद तक बना लो। तो यदि ये व्यक्ति मेरे से आर्ग्यू करे साहब मैं 3 साल में बना लूंगा और इस 3 साल में असेसमेंट खुल जाए, और असेसमेंट में इनकम टैक्स अधिकारी बोले साहब बताओ आपने क्या रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है बनाया? बोले जी लैंड खरीदी बनाया नहीं है। अब इशू क्या है सर, यदि आप बनाओगे नहीं और असेसमेंट के समय तक मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर को नहीं दिखता उसके ऊपर मकान बना, तो कैसे एग्जम्पशन मिलेगी? तो इसका मतलब एज सून एज पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कर लेना एक उपयुक्त राय होगी ताकि आप किसी प्रकार के डिस्प्यूट में आने से बचें। परंतु हाँ ये किया जा सकता है, आपने कैपिटल गेन को लैंड में लगाया और आप ये कह रहे हैं साहब मैं 3 साल में मकान बना लूंगा, थ्योरेटिकली आई फुल्ली एग्री, यस एग्जम्पशन के लिए वो व्यक्ति हकदार है। अब सर जो एग्जम्पशन हम क्लेम करते हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है कैपिटल गेन अकाउंट्स की, और ज्यादातर असेसीज इसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं सर? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का ज्ञान ना होने से वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे ही नहीं जमा करा पाते। तो सर इसकी अवेयरनेस तो क्रिएट करनी पड़ेगी। यदि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपने पैसा जमा करा दिया कब तक? अगले साल, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजेक्शन हुआ 17-18 में, अगला साल 18-19 की आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दीजिए तो एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं तो सर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जम्पशन नहीं दे रहा। हाँ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग केस लॉज हैं जो ये कहते हैं यदि आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा नहीं जमा कराया परंतु 139(4) यानी बी लेटर रिटर्न की समयावधि खत्म होने से पहले नई प्रॉपर्टी खरीद ली बना ली तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। परंतु दिस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम डाउट, वन हैज टू टेक केयर अबाउट, या तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रॉपर्टी खरीद लें, नहीं खरीद पाए और थोड़ा वेट कर लें, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न निकल रही है, अब तो सर निश्चित रूप से आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करा देना है। रही बात सर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की तो बड़ी क्लियर है, दो तरीके के अकाउंट होते हैं, टाइप ए टाइप बी, टाइप ए में सेविंग बैंक अकाउंट है, टाइप बी में एफडी अकाउंट है। आप उस पैसे को एसबीडी एफडी में रखना चाहे एसबी में रखना चाहे आप जिसमें भी रखे रखे और उसको फिर प्रिस्क्राइब पर्पस यानी कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन में यूज करना है, बैंक आपको विड्रॉ नहीं करने देगा, उसी पर्पस के लिए विड्रॉ करने देगा, दूसरी पार्टी के नाम थर्ड पार्टी के नाम ही चेक बना करके या डीडी बना करके वो देगा। तो ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के संदर्भ में बात ध्यान रखने होंगे। हाँ एक क्वेश्चन और है सर, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के ब्याज का क्या करना है? सर वो ब्याज जैसे नॉर्मल आपका एसबी इंटरेस्ट या एफडी इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है वैसे टैक्सेबल है, आप चाहें तो उसे स्पेसिफाइड पर्पस में यूज करने नई प्रॉपर्टी में, या नहीं चाहें तो आप उसको अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर सर कोई आपत्ति नहीं है। तो सर ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ में डिस्कस करूं। इसके साथ एक बात और सर मैं लेना चाहता हूं, नई प्रॉपर्टी जो असेसी खरीदता है जो कि एक रेजिडेंशियल हाउस हो, रेजिडेंशियल हाउस बेच कर लिया गया रेजिडेंशियल हाउस हो, क्या हो यदि वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में तो प्रॉपर्टी बेचे और इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी खरीद ले? पहले लॉ में इस विषय में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, तो आप इंडिया से बाहर भी प्रॉपर्टी लेते, नॉन रेजिडेंट के रूप में इंडिया में बेचते, इंडिया से बाहर लेते, आप एग्जम्पशन के हकदार थे। परंतु अब सर ऐसी व्यवस्था खत्म है, आपको प्रॉपर्टी इंडिया में ही लेनी है। अब इसी से एक ध्यान बात आई, क्या एक प्रॉपर्टी बेची 4 खरीद ली, क्या एग्जम्पशन मिलेगी? क्या आंसर इज नो सर। टुडे द लॉ इज वेरी क्लियर, असेसी विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एग्जम्पशन फॉर 1 प्रॉपर्टी। हाँ मैं मानता हूं सर कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स अगेन हैं जो ये कहते हैं एक प्रॉपर्टी बेची 4 ले ली, मैंने अपने नाम की प्रॉपर्टी बेची, मेरी मेरी माताजी मेरे 2 बच्चों के नाम पर 4 प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, चारों एक साथ ही जुड़े हुए मकान है, हम सब रहते अभी भी कलेक्टिवली हैं, क्या ये एक मकान है क्या? मैं पहले ही कह चुका हूं सर प्रॉपर्टी सारी एसएससी के नाम की होनी चाहिए, यानी मेरे चारों फ्लैट में जॉइंट में मैं हूं, नंबर 1। नंबर 2 यदि मैं इन चारों फ्लैट को एक ड्वेलिंग यूनिट बता सकता हूं कि साहब ये एक ही वो है हमारा एक ही परिसर है तो शायद मेरे को चारों की एग्जम्पशन मिल जाए। लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन मैंने दी है सर ये फ्री फ्रॉम डाउट नहीं है, जुडिशरी ने इसको ओके किया है कुछ केसेस में लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर जनरली सहमत नहीं होता, तो आपको लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सर आपका ये जो पर्टिकुलर एग्जम्पशन का तरीका है ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके को हम जरा सा भी तोड़ते मोड़ते हैं तो हमारी एग्जम्पशन पर गाज गिरती है, इसलिए हमें सतर्क होकर के चलना है। एक और पॉइंट सर जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट करता हूं कि कई लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं
उसकी कॉस्ट या तो उन्हें पता नहीं है, या 1481 अथवा 1402001 की जैसी भी स्थितियों फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। केस खुलता है जनरली 5-6 साल बाद, तब आप फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाने जाओ, निकल भी जाएगी, लेकिन इशू क्या है, तब तक उस प्रॉपर्टी की शेप बदल जाती है क्योंकि परचेजर ने उस पर कुछ काम कर लिया, कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर लिया, आप वैल्यू कैसे कराएंगे। टू बी प्रैक्टिकल, इट वुड बी अप्रोप्रिएट व्हेन यू आर गोइंग टू सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी, देन एट द सेम टाइम यू शुड गेट अ रजिस्टर्ड वैल्यू फॉर 1st of April 1981 और 1st of April 2001। If you are having this particular value in your hands, it will save you from facing any kind of adverse consequences later in terms of getting a registered valuer's report. So, ये सर valuation लेना एक बहुत important बात है जो हमारे को capital gain की exemption के लिए, capital gain की computation के लिए निश्चित रूप से काम में आता है। तो सर ये कुछ points थे जो मेरे दिमाग में थे, मुझे लगा मैं व्यूअर्स के साथ में ये पॉइंट्स डिस्कस करूं। आपके पास भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं उन्हें भी एड्रेस कर पाऊं। तो आज के लिए सर मैं इसी डिस्कशन के साथ समाप्त करता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता रहूंगा कि भविष्य में भी आपको ऐसे ही विषयों के ऊपर कुछ अपडेट्स उपलब्ध कराता रहूं।